घूम नीचे रख के रख। अच्छी मूवी है। एक मिनट मैं चालू कर। सर कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है। पेशेंट का हीरो का और काजल का काम बहुत अच्छा है। स्टोरी वाइज कैसी मूवी है? बहुत अच्छी मूवी। आपको कुछ अगर जो विशाल जेठवाय जो यंग बॉय है, हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आमिर खान भी है इस मूवी में, बहुत अच्छा लगा। और स्टोरी वाइज डायरेक्टर का डायरेक्शन भी अच्छा है। और लास्ट में अगर आपको जो क्लाइमेक्स रहता है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहा जा रहा है सर ये मूवी रियल स्टोरी पे मूवी बेस है, तो आप कितने अपील हो पाए स्टोरी के साथ, या फिर जो इंतुफिशिया के बारे में बताया गया वो आपको कितना अपील हुआ? बहुत अच्छा अपील हुआ। और लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे आप ये मूवी देखने? थोड़ा लो चेंज करना चाहिए। क्या आपने सीखा इस मूवी से कुछ, अगर आपको कुछ टेक ऑन रहेगा कुछ सीखा रहेगा? ठीक है, थैंक यू। सो हाउ वाज द मूवी? इट वॉज वेरी नाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और काजोल एक बहुत ही डिफरेंट रोल में बहुत टाइम के बाद देखने को मिला, तो उनको देख के बहुत मज़ा आया। और बहुत ही टचिंग, हार्ट वार्मिंग, हार्ट रेंचिंग मूवी है, मतलब आपके आंसू जरूर निकलेंगे। विशाल जेठवा का किरदार कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आई थिंक उनको हमने नेगेटिव किरदार में देखा था मर्दानी 2 में, और बहुत ही उनका भी डिफरेंट टाइप का रोल था, बहुत ही उन्होंने कन्विंसिंगली कन्विक्शन के साथ निभाया, और बहुत टफ रोल था उनका, तो वो जो इमोशंस उनकी देख के कथासिस हो गया हम लोग को। और आमिर खान भी है इस मूवी में, उनका भी कैमियो बहुत अच्छा लगा, बीच बीच में वो आए हैं तो उनका कैमियो बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ जितने भी किरदार हैं, राहुल बोस या फिर राजीव खंडेवाल जो डॉक्टर बने हैं, सबके किरदार बहुत अच्छे हैं। क्या कुछ ऐसा टेक ऑन जैसा था? यही था कि यूथेनेशिया जो है मर्सी किलिंग के ऊपर ये स्टोरी है, ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया है, और किस तरह वो लीगल एंगल यूज़ करते हैं, और लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वो भी बहुत टचिंग है। एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी? एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, 2.5 घंटे की मूवी है, तो जो उसके एडिटर है मनन सागर उसको मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल क्रिस्प रखी, कहीं भी एप्ट है बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छे से, स्लो पेस्ड है मूवी लेकिन मज़ा आएगा देख के। तो जो इसके सिनेमेटोग्राफर हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, रवि बर्मन जो एक साउथ के सिनेमेटोग्राफर है। एंड 5 out of कितने स्टार्स दोगे काजल और विशाल जेठवा? दोनों को मैं 5 out of 5 दूंगा, मतलब कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं था। मूवी को ओवरऑल थोड़ी स्लो पेस्ड है तो मैं 4 stars दूंगा, और रेवती जी जो एक बेहतरीन यू नो एक्ट्रेस थी, वो एक उन्होंने मित्र मूवी बनाई थी और फिर मिलेंगे जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, और अभी फिर से ये मूवी को क्रिटिकल अक्लीम मिल रहा है, तो रेवती जी का डायरेक्शन सबसे बेस्ट है अब तक का, और उन्होंने बता दिया कि वो बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ कितनी बेमिसाल डायरेक्टर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लगी सर मूवी सलाम 90? मूवी मुझे ठीक ठाक लगा, सब लोगों का काम बहुत पसंद आया, प्रकाश राज है, काजल है, आमिर खान है, विशाल है, सबका काम मुझे बहुत पसंद आया। विशाल का किरदार कैसा लगा पूरी मूवी में? उससे पहले एक मूवी उसकी देखा था, उसमें विलन का रोल किरदार निभाया इससे पहले, इसमें उसको बहुत अलग डिफरेंट में काम किया, बहुत पसंद आया मुझे। स्टार्स की मैं बात करूँ 5 out of कितने स्टार्स दोगे काजल की एक्टिंग? काजल के 4 में 5 में से 4 दूंगा मैं। आमिर खान के 4 ही दूंगा। विशाल जेठवा 5 में से 5। रेवती जी का डायरेक्शन कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया उसका डायरेक्टर। क्लाइमैक्स कैसा लगा? बहुत अच्छा था क्लाइमैक्स, सब बहुत सीन बहुत अच्छे थे, इमोशनल था। कुछ अगर बताना चाहोगे आपके मूवी में? आप बैठोगे अगर देखने के लिए एक बार पक्का रहोगे आप मूवी में बैठ के। क्या कुछ ऐसा सीखने को मिला आपको मूवी से? एक मैसेज दिया मूवी के अंदर, आपको बहुत सीखने को मिलेगा, घर में आपको बहुत वो आएगा, चेंजिंग करना पड़ेगा आपको। 5 out of 4। My God, it will go everywhere. Oh my God. Okay. So, how was the movie? Movie is really fantastic. It is really very emotional, and I have got a lesson in that movie that whenever you want to do something in life, you can do it. Yes. Anyhow, you know, kitni bhi problems aaye, kitni bhi takleefe aaye, but you need to fight and you need to do it. He was so disturbed, he was hospitalized, he was suffering very badly, but he was doing, uske mind mein wo dream tha, usko karna tha, aur jab tum kuch cheeze karne jaate hai na aur tumhare dimag mein wo cheeze hai to wo apne aap raste khulte jaate hai, automatically things comes and you will get the ways. Yes. Only the thing you need to think, then you need to execute, then you need to plan, and then you need to come on the floor. Vishal Jethwa, the young guy, how was acting? He was fantastic. Kajol ma'am was very good.
शी इज़ डन प्रिटी नाइस वर्क इन दैट फिल्म दैट आमिर खान भी वो भी बहुत सफ़र हो रही थी, पेन था, बहुत प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो भी एक अपनी लड़ाई लड़ रही थी और साथ में, क्योंकि वो उसका बेटा है, शी कान गिव अप, शी कान लीव. ऐसी कुछ मेरी भी पर्सनल लाइफ है दैट आई एम ऑल्सो सफरिंग. आई एम नॉट सीन माई चाइल्ड फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स. आई एम ऑल्सो फ्रॉम बॉलीवुड. आई वर्क एज अ लाइन प्रोड्यूसर एंड आई एम ऑल्सो facing divorce things and lot of things, so we have pain in our life and we need to fight with that pain and just show that we can do lot of things. Lastly, in life. 5 out of kitne stars hai? I will give 4 because the movie is very good and it was a fantastic experience that I saw that half movie and after that I could not see because I was not from media things. PR लोग ने मुझे बहुत परेशान किया बट मीडिया पीपल इज़ वेरी गुड. दे सपोर्टेड मी, दे गॉट मी इनसाइड अगेन. आई रिमेंबर दैट गर्ल, PR गर्ल. मैं वहाँ पे इसलिए गई थी बिकॉज मुझे वहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नंबर चाहिए था और मैं 7 घंटे तक वहाँ खड़ी रही कंटिन्यूसली टू टेक द नंबर ऑफ सूरज सिंह द डायरेक्टर एंड आई गॉट हिज नंबर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड द मूवी इज फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू वर्क विद हिम ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. थैंक यू. तो कैसी लगी सलाम? बहुत अच्छी मूवी है सर. क्या कुछ मूवी से सीखने को मिला? स्टोरी लाइनअप? हाँ, जैसे माँ बेटे की कहानी दिखाई ना इसके अंदर, मतलब माँ बेटे में कितना प्यार है, बेटे को वैसे अपनी माँ से प्यार है और माँ को भी अपने बेटे से प्यार है. जो बेटे का किरदार विशाल जेठवा, बस मतलब उस लड़के का जवाब नहीं, बहुत बढ़िया हीरो आया. इतनी कम उम्र में उसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की, मतलब सोचने वाली बात है बहुत. और काजल मैम का तो जवाब नहीं है, वो तो शुरू से ही सुपर स्टार है. उन्होंने जब अपनी जवानी में थी वो उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किए थे, अभी बहुत बढ़िया रोल किया. डायरेक्शन कैसा लगा? एक नंबर डायरेक्शन है उसमें. जितने भी छोटे पे छोटे जो कलाकार हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हो ना, उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी बहुत बढ़िया काम है. जज साहब प्रयागराज जी बने, उनका भी बहुत बढ़िया काम है. और काजोल मैम का तो जवाब नहीं, उनकी कितनी तारीफ करूँ मैं, वो भी कम पड़ रही है. भगवान सबको ऐसी माँ दे, जैसे काजोल जी थे ना, सबको ऐसी माँ दे. एंड का क्लाइमेक्स कैसा लगा? जवाब नहीं, दिल रो गया जी मेरा तो. काफी इमोशनल. हाँ, मतलब डायरेक्टर ने वो सीन कितनी गहराई से किया होगा. मतलब एक तो लिखने वाले के बाद और कितनी गहराई से वो सीन किया होगा, मतलब जितने भी दर्शक थे सब रो पड़े यार. उन्होंने यार क्या बात, कोई ऐसी बात जो आपको सीखने मिली हो? मतलब ये और भी, जैसे आदमी को इज्जत से जीने का हक है. मेरे जो भी रोना आ रहा है, मैं क्या बताऊँ. मैं 5 में से कितने स्टार विशाल जेठवा की एक्टिंग को? वो जब वो एक लाइन वो थी ना, जब जीने का आदमी को इज्जत से हक है, ऐसे ही आदमी को मरने से ही इज्जत से ही मरने का हक होना चाहिए. पूरी मूवी को 5 में से कितना? 5 में से 5 देंगे, कमीनी फिल्म के अंदर तो 5 में से 5, मतलब मैं तो ज़्यादा ही देने का वो हूँ. हाँ. लेकिन 5 में से 5 जाने चाहिए ना. धन्यवाद, बहुत अच्छी मूवी है, सब लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए. धन्यवाद.